तो बीते कल UFC वालों ने UFC से बहुत सारा फाइटर को UFC से रिलीज कर दिया है। तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, एक दो फाइटर नहीं, करीब 8-9 फाइटर को उन्होंने UFC से रिलीज कर दिया है। तो उनमें से पहला फाइटर है आपका जिमी पिकेट, उसके बाद दूसरा फाइटर है आपका टाइसन पेड्रो, तीसरा फाइटर है आपका मैथ्यूस मैंडोनका, मार्क मेडसन, डेनियल लेसर्डा, उसके बाद आपका डेनिस बॉन्डर, उसके बाद आपका लुइस साल्डाना, फर्नी गार्सिया, उसके बाद आपका माइक ब्रिडेन। तो इन लोगों को UFC से रिलीज कर दिया है। तो आपको ये पता था? अगर पता नहीं था तो आपको जान के कैसा लगा वो जरूर बताएगा, ठीक है? तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को लेके। अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की ने रिएक्ट किया है शोन ओ'मैली के चैलेंज को, जो शोन ओ'मैली ने UFC 299 में चिटोवेरा को हरा के जो अपना बेल्ट को रिटेन किया था, उसके बाद उसने कॉल आउट किया था इलिया टोपोरिया को, तो उसी के ऊपर। तो अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की ने कहा है, तुम अगर चाहते हो कि फाइट करो उससे तो जल्दी करो, ठीक है, किसलिए कि मैं आने वाला हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ, रेस्ट के बाद मैं सीधा बेल के लिए फाइट करने वाला हूँ इस साल के आखिर तक। तो जो करना है तुम्हें उससे पहले करना होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट हूँ उससे फाइट करने के लिए इलिया टोपोरिया से। तो ये कहना था आपका अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की का। और क्या आपको लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को UFC वाले इलिया टोपोरिया के साथ नेक्स्ट बेल के लिए फाइट करवाएगा? तो आप बता सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से बड़ा फाइट कौन सा होगा, इलिया टोपोरिया वर्सेस आपका शोन ओ'मैली या फिर आपका अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की वर्सेस इलिया टोपोरिया पार्ट 2? तो कौन सा आप देखना चाहेंगे, आप किस फाइट में इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे अगर हुआ तो, वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।